45 साल से ऊपर के हर किसी को लगेगा 1 अप्रैल से कोरोना का टीका, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा, उद्धव सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में हुआ बड़ा घोटाला, जिस अफसर ने दी रिपोर्ट उसी का हुआ तबादला, सीबीआई जांच की मांग। परमवीर सिंह के आरोपों के मामले में देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार पर बड़ा हमला, कहा शरद पवार ने गलत बयान दिया, उन्हें नहीं दी गई सही जानकारी, 15 से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन नहीं थे देशमुख। अनिल देशमुख का बचाव करते हुए पवार बोले, उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं, आरोपों में दम नहीं, जांच को भटकाने के लिए परमवीर ने चिट्ठी में ऐसे आरोप लगाए। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, अनिल देशमुख के घर की सुरक्षा भी हुई कड़ी, महाराष्ट्र के वसूली कांड पर सियासी गर्माहट को देखते हुए उठाया गया कदम। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के समर्थन में खुलकर सामने आई शिवसेना, संजय राउत ने परमवीर सिंह की चिट्ठी की तुलना गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट से करते हुए देशमुख का बचाव किया। परमवीर सिंह के आरोपों के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, सूत्रों के मुताबिक आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन कर सकती है सरकार। शरद पवार गृहमंत्री अनिल देशमुख का कर रहे हैं बचाव, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि कोरोना होने की वजह से 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे देशमुख, 15 से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन थे, वाजे से मुलाकात ही नहीं हुई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ट्रांसफर में लगे आरोपों के खिलाफ अर्जी दी, अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की, कहा घर के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो। परमवीर की याचिका पर 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है, शुक्रवार के बाद कोर्ट में होली की छुट्टी हो जाएगी, मगर 26 मार्च को याचिका पर नोटिस जारी होता है तो अगली सुनवाई कम से कम 10 दिनों के बाद ही हो सकेगी। सचिन वाजे होटल बुक करने के लिए फर्जी आधार कार्ड का करता था इस्तेमाल, जिन फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल वाजे करता था उसकी कॉपी एबीपी न्यूज के हाथ लगी। सचिन वाजे के दफ्तर से मिली डायरी से खुलेगा 100 करोड़ की काली कमाई का राज, पैसों के हर लेनदेन का कोड होगा डीकोड, एनआईए का मानना है कि उन पैसों के लेनदेन का हिसाब किताब हो सकता है जिसे बार, रेस्टोरेंट और दूसरी जगहों से वसूला जाता था। वसूली कांड में सचिन वाजे को लेकर एक और खुलासा, सूत्रों के मुताबिक वाजे 16 फरवरी से 20 फरवरी तक फर्जी आईडी पर ट्राइडेंट होटल में ठहरा था, बैग में लेकर आया था लाखों रुपए। सीसीटीवी से पता चला ट्राइडेंट होटल में चेक इन के वक्त सचिन वाजे के हाथ में 2 बैग थे, इन्हीं में लाखों कैश होने का शक, 16 फरवरी को इनोवा कार से अंदर गया था, 20 फरवरी को दूसरी लग्जरी गाड़ी से बाहर निकला था। तो मनसुख हिरेन केस की जांच में जुटी हुई है महाराष्ट्र एटीएस टीम, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। मनसुख हिरेन केस की जांच में जुटी महाराष्ट्र एटीएस टीम ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट में छानबीन की, वाजे के नाम बदलकर ट्राइडेंट होटल में छिपने के खुलासे के बाद हुआ यह एक्शन। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाले मामले की जांच में महाराष्ट्र एटीएस ने एक वॉल्वो कार जब्त की जो वाजे के किसी बिजनेस पार्टनर की बताई जा रही है। उधर निर्दलीय उम्मीदवार ने आरोप लगाए हैं शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत के ऊपर। नवनीत राणा का आरोप, महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर लगाया धमकी देने का आरोप, कहा संसद की लॉबी में जेल में डालने और पुलिस कार्रवाई की भी मांग की। जेपी नड्डा ने जारी किया असम के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र, 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, एनआरसी लागू करने में असम के लोगों का रखा जाएगा ख्याल। असम के सियासी रण में प्रचार करने उतरे बीजेपी के स्टार प्रचारक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिलचर की रैली में सोनोवाल सरकार की गिनाई उपलब्धियां।
पश्चिमी मिदनापुर के गोसाबा में ममता सरकार पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा बंगाल में भ्रष्टाचार तोलाबाजी का बोलबाला, केंद्र का पैसा बंगाल के लोगों तक नहीं पहुंच रहा। बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह ने भरी हुंकार, रैली के बाद किया भव्य रोड शो और उमड़ा जल थैला। बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी को बालूरघाट से मिला टिकट। व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार जारी, आज पुरुलिया में ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित किया, बीजेपी पर निशाना साधा, कहा झारखंड में बीजेपी ने आदिवासियों से भूमि अधिकार छीने।